दूरी, कई जगह तो 10 गुना दूरी तक वो वास्तु, आसपास का वास्तु, एनवायरनमेंट का वास्तु बोलते हैं, वो असर करता है उसके ऊपर। ठीक है, आपके पड़ोस में अंडरग्राउंड बना हुआ है, आपके सामने वाले मकान में अंडरग्राउंड बना हुआ है, आपके लेफ्ट वाले मकान में अंडरग्राउंड बना हुआ है, या आपके राइट वाले मकान में अंडरग्राउंड बना हुआ है, जैसे रो हाउसेस होते हैं शहरों में। तो अगर ऐसा है तो आपके वास्तु पे उसका क्या असर पड़ेगा, ये बात भी वास्तुविद ही बता सकता है। ये आपको आर्किटेक्ट नहीं बता सकता, इंजीनियर नहीं बता सकता। एनर्जीज जो होती हैं, मैग्नेटिक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, और ये जो पंच तत्व होते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, ठीक है, ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं जब कभी भी आपके अड़ोस पड़ोस में अंडरग्राउंड का कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, उसको तो पता नहीं है जो कर रहा है, उसको तो भाई ज़मीन कीमती होती जा रही है, तो वो देख रहा है मैं तो नीचे नीचे का भी ले लेता हूँ, 10-20 फीट मुझे 2 मंजिल नीचे बना लेता हूँ, 3 मंजिल ऊपर बना लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ। तो वो तो इस लालच में रहता है, इधर पार्किंग कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन उससे आसपास के जो लोग रह रहे हैं उनका वास्तु बहुत ज़्यादा हद तक इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि आप जो अपने मकान में जो कुछ भी करते हो उसका असर 4 से 5, मतलब आपके मकान की लंबाई चौड़ाई से 4 से 5 गुना तक, ठीक है, उतना असर पड़ता है। और अगर इतनी ही दूरी पर अगर किसी और ने कोई अंडरग्राउंड बनाया या कि आसपास में कुछ और बना है तो उसका भी असर पड़ेगा, इतना असर पड़ता है। अंडरग्राउंड का असर सबसे ज़्यादा पड़ता है, ध्यान रखना। पानी की टंकी है, कोई नाला है, कोई सड़क है, बड़ी सड़क है, कोई पार्क बना हुआ है, कोई मंदिर बना हुआ है, कोई पुलिस थाना बना हुआ है, या मार्केट ही बना हुआ है, या वो जो बिजली के तार, जो हाई टेंशन लाइन जा रही है, ठीक है, इस तरह की ये सारे फैक्टर्स वास्तुविद अपने उसमें संज्ञान में लेता है, नोटिस में लेता है। ये सब चीज़ें इंजीनियर नोटिस में नहीं लेता है जब भी वो मकान बनाएगा, और जब कभी भी आर्किटेक्ट मकान बनाएगा, कुछ भी कॉम्प्लेक्स कुछ भी बनाएगा, वो ये सब चीज़ें अपने बिल्डिंग को तो बचा के चलेगा, लेकिन उसको ये सब, ये फैक्टर्स का पता ही नहीं है, वास्तु के फैक्टर्स का, कि ये फैक्टर्स कैसे उस पर असर डालेंगे, उस जो प्रॉपर्टी में जो व्यक्ति रहेगा और उस प्रॉपर्टी का उपयोग करेगा, या जो भी वो लोग रेंट पे जाए चाहे वो परचेज करें, तो उनके जीवन पे, उनके बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा, निजी जीवन पे और बिजनेस जीवन पे क्या असर पड़ेगा, इतना गहरा है वास्तु। ठीक है, हाँ, तो ये 4 तरह का, जैसे मैंने बताया, रेजिडेंशियल।